लेकिन हमारे जो प्लेयर्स हैं माशाल्लाह ये हल्का सा एक अच्छी परफॉर्मेंस शो कर दें किसी मैच में, उसके बाद ये ग्राउंड में आपको नजर ही नहीं आएंगे, ये कभी उस बंदे के साथ फिर रहे हैं, फोटो बनाते फिर रहे हैं उस बंदे के साथ, जी फलां ब्रांड प्रमोशंस हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये सब थोड़ा सा गलत है, लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं सिर्फ, अब खुद नहीं है ये कुछ बाबर आजम, ये पूरे पाकिस्तान का एक क्रिकेट टीम का कैप्टन है। नजीब भाई आप कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान की अगले मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस होगी, हम पहुंच पाएंगे सेमीफाइनल के अंदर? नहीं बता, इनके हंसने से अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान की कितने चांसेस हैं, आप बताएं जी ज़रा। चांसेस तो देखें तो थोड़े कम ही है अगर देखा जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मुजम्मिल। क्या करते हैं मुजम्मिल भाई? मैं इधर एमफिल केमिस्ट्री कर रहा हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। क्रिकेट देखते हैं आप? क्रिकेट हाँ ओबियस सी बात है, अगर कोई बंदा नहीं भी देखता लेकिन वो वर्ल्ड कप के मैचेस एटलीस्ट ज़रूर देखता है वो। मैं असल में क्रिकेट का कोई बहुत बड़ा शौकीन नहीं हूँ या शैदाई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत हाँ नो पूछ लेता हूँ कि आज यार क्या हुआ है, तो मुझे थोड़ा बहुत पता है। आज मैच था पाकिस्तान का जी। तो माशाल्लाह से मुझे बड़ी खुशी है, आफ्टर लॉन्ग टाइम सुनने को मिला है कि पाकिस्तान जीत गया है, तो आपको भी होगी ओबियस सी बात है। खुशी तो हुई है, लेकिन आगे जो एक प्रोसीजर है पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का, वो पाकिस्तानी अब आपस में बैठ के यही आज डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल में पहुंचेगा। उसी सिलसिले में कल मैच जो है वो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच है, तो उसके लिए दुआएँ कर रहे हैं पाकिस्तानी स्पेशल तौर पर कि साउथ अफ्रीका जीते, न्यूजीलैंड हारे, और अगले मैच भी न्यूजीलैंड हारे और पाकिस्तान अगले मैच जीते। तो आपको ये सारी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, जैसे पाकिस्तानी जो हमारी परफॉर्मेंस जो होती है उससे ज़्यादा हम दुआओं पे ज़्यादा हमारा यकीन होता है कि जी हम दुआएं करेंगे तो हमारी टीम जीतेगी पहुंचेगी। कैसा आपको लग रहा है कि पाकिस्तान टीम अगले मैच जीतेगी और न्यूजीलैंड हारेगी और हम जो है सेमीफाइनल खेलेंगे? देखिए दुआएं जो होती हैं ना, ये तो आपको भी पता है कि एक सेकेंडरी चीज़ होती है, प्राइमरी चीज़ तो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस होती है। तो आज जैसे वो हमारे एक प्लेयर हैं बड़े अच्छे, तो उन्होंने 7 छक्के मारे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, फखर जमान साहब है, सबका पता है उन्हें 7 छक्के किसने मारे हैं, तो उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को पता है, पूरे एशिया को क्या पूरी दुनिया को पता है उनका। तो वो देखें अब ये नहीं है कि एक बंदा है लाइक पिछले 2-3 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, नाम नहीं लूँगा उसका भी, चले ले देता हूँ, इमामुल हक है वो। तो भाई देखें अब उस बंदे ने क्या किया है, वो अब उसके बारे में जो भी कहा जाता है कि वो जैसे भी सिलेक्ट होता है जो भी होता है, तो मेरे ख्याल से अब उसको थोड़ी सी रेस्ट देनी चाहिए, जो पीछे प्लेयर्स बैठे होते हैं उनको थोड़ा सा आगे लेकर आना चाहिए। नसीम शाह का मुझे पर्सनली बहुत दुख है, आज मैं ये पूरी दुनिया के सामने अपना दुख शेयर कर रहा हूँ कि नसीम शाह को ये लोग क्यों नहीं लेकर गए। मेरे ख्याल से अगर आज नसीम शाह टीम में होता तो सिचुएशन और होनी थी, हम ये जो मैचेस हारे ना शायद ये भी ना हारते, हम टॉप 4 में होते। हाँ हम टॉप 4 में होते इंशाल्लाह। बॉलिंग हमारी पहले भी अच्छी है, बैटिंग थोड़ा सा बाबर आजम से भी थोड़ा मायूस हूँ मैं कि वो क्या कर रहा है। मुझे ये भी सुनने को मिलता है, लोग कहते हैं कि बाबर आजम का जो मुकाबला है ना वो इंडिया के विराट कोहली के साथ क्या उनके बॉलर्स के साथ करना चाहिए, तो दुख होता है ये सुन के कि क्या है क्या नहीं है। अब उसको भी थोड़ा इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि आखिर इसकी वजह क्या है कि वो एक टाइम पर अच्छा प्लेयर था अब ऐसे हो गया है, शायद शोहरत की वजह भी हो सकती है इसकी। शोहरत देखें विराट कोहली से ज़्यादा मेरे ख्याल फेमस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इस वक्त जो है बैट्समैन नहीं होगा, कोई भी प्लेयर नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर तो कोई इस तरह की आपने चीज़ नहीं देखी होगी, वो हर मैच में परफॉर्म भी कर रहा है। शोहरत दिमाग पे आ गई है ना, तो वो दिमाग में आ गई है, उसको थोड़ा सा उसको नीचे लेकर आना चाहिए। मैं खुद एक बार पर्सनली मेरी इंटरेक्शन हुई थी, इधर सरीना में आया था बाबिर, तो काफ़ी और भी दोस्त वगैरह खड़े थे, उन लोगों ने कहा यार इसके साथ फोटो बनानी है, तो हम वहाँ पर आधा पौना घंटा खड़े होकर वेट करते रहे हैं। वो बंदा टेबल टेनिस खड़ा खेल रहा है, उस बंदे के पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि यार स्टूडेंट्स खड़े हैं हम इनके साथ फोटो बना ले। तो शुएब मलिक आया सीनियर प्लेयर है, हफीज़ आया सीनियर प्लेयर है, बाबर आजम नहीं आया, ये गलत बात है। तो फिर ये चीज़ें इंसान के सामने आती हैं, उसके सामने आ रही हैं, अगर कल को कोई बंदा उसके साथ फ़ोटो लेने के लिए खड़ा होता था, मेरा नहीं ख्याल कि अगर वो आ जाएगा तो वो अगर 50 खड़े थे ना लोग पहले, अब 20 खड़े होंगे वहाँ पे। तो उसको थोड़ा इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि आवाम उससे प्यार करती है, तो उसको भी चाहिए अच्छी परफॉर्मेंस दे, अपनी प्रैक्टिस के ऊपर टाइम बढ़ाए बजाय इस चीज़ के ब्रांड्स प्रमोशंस लाइक कुछ भी ऐसा जो आजकल हम हर जगह देखते हैं जी, हर चीज़ के साथ बाबर आजम की फ़ोटो लगी है, तो उसको चाहिए अपना जो एक उसका है ना, अब देखें वो रोनाल्डो है सही है, वो लोग क्यों नहीं हर एक चीज़ के साथ खड़े नज़र आते हैं आप लोगों को, क्योंकि वो उन लोगों को अपना जो टाइम है ना वो बहुत वैल्यू रखते हैं उसको, वो ग्राउंड में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन हमारे जो प्लेयर्स हैं माशाल्लाह ये हल्का सा एक अच्छी परफॉर्मेंस शो कर दें किसी मैच में, उसके बाद ये ग्राउंड में आपको नज़र ही नहीं आएंगे, ये कभी उस बंदे के साथ फिर रहे हैं फोटो बनाते फिर रहे हैं उस बंदे के साथ, जी फलां ब्रांड प्रमोशंस हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये सब थोड़ा सा गलत है, लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं सिर्फ, अब खुद नहीं है ये कुछ बाबर आजम, ये पूरे पाकिस्तान का एक क्रिकेट टीम का कैप्टन है।
तो ये थोड़ा ख्याल करना। आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ ऐसी बातें हमारी मीडिया के अंदर भी आई हुई हैं कि जी पाकिस्तान टीम जब इंडिया रवाना हो रही थी तो उस लास्ट नाइट जो है ये इन्होंने धमकी दे दी थी, बल्कि ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी थी कि पहले हमें सेंट्रल जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा वो साइन किया जाए, वरना हम भारत नहीं जाएंगे, इंडिया हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। तो हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन हैं और चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक हैं, ये प्रेशर में आ गए और उन्होंने इनको यकीन दहानी कराई कि आप जैसे कहते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही हो जाएगा। अब बल्कि आज की न्यूज़ ऐसी थी कि इन खिलाड़ियों को जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है उसकी फोटोकॉपीज इंडिया में भिजवा दी गई है, कि अब इनको पता चला है कि जी हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है, हो जाएगा, हमें अब जो हमारी जो सैलरीज हैं, हमें तनख्वाहें हैं वो बढ़ के मिलेंगी। तो आज जो परफॉर्मेंस है उसका नतीजा तो नहीं है, आज हमारी टीम बिल्कुल ही डिफरेंट नज़र आ रही थी कि इनको पता चल गया कि अब हमें जो ज़्यादा हमारी डिमांड के मुताबिक पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। नहीं नहीं, देखें ये चीज़ मैं भी नोट की है। देखें हर एक चीज़ की ना सज़ा भी होती है और जज़ा भी होती है। मैं पहले भी हम दोस्तों में बैठ के डिस्कस करते हैं कि जब ये मैच जीत जाते हैं तो इन लोगों को प्राइजेज मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। जी फलां बहरिया टाउन का ऑनर है जी, वो उसने जी इन लोगों को एक एक प्लाट दे दिया जी, उसने एक एक ये दे दी, उसने एक एक वो दे दिया। जब ये हारते हैं तब इनका कटता क्यों नहीं है कुछ? अगर आज इनको कह दिया जाए ना कि जिस मैच में आपकी परफॉर्मेंस ऐसी हुई या ऐसा हुआ तो आपकी इतनी परसेंटेज इसमें से कट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि इनकी परफॉर्मेंस पे ना काफ़ी अच्छा इफेक्ट आएगा उससे, जो हम देखते नहीं हैं। उनको तो पता है कि हम मैच जीते या हारें हमें हमारी सैलरीज मिल जानी है, हमारे वजीफे लगे हुए हैं, ये है वो है। तो ये गलत है, ये क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ही हैं और कोई मतलब के बहुत बड़े महान या अजीम लोग नहीं हैं। जितनी इतनी सैलरीज इन लोगों ने डिमांड की है मैंने भी देखा था, इसके अलावा भी बहुत मतलब के क्लब्स वगैरह ज्वाइन किए होते हैं इन लोगों ने, तो वहाँ से भी बहुत अर्निंग कर रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी ये जो डिमांड थी वो भी पहले नंबर पर सही थी, और अगर आज इन लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो ये इस वजह से दी होनी है, तो मेरा नहीं ख्याल है ये। ऐसे नहीं आपको लग रहा, लेकिन इन लोगों ने ब्लैकमेल तो किया, ये तो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं कि इन लोगों ने बोला कि जी अगर ये आप साइन करेंगे, हमारी डिमांड मानेंगे तो हम इंडिया जाएंगे, तो वो सरेंडर किया वहाँ पर हमारे जो बोर्ड ने। वो तो पागल है ना पीसीबी वाले, वो ये 11-15 प्लेयर्स को साइड पे करते, ये रोडों पे निकलते, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स फिर रहे हैं, इनकी एक टीम बना के भेज देते इंडिया, तो वो भी नखरे उठाते हैं ना इनके प्लेयर्स। कोई भी अच्छा माड़ा नहीं होता है, बस नज़रों में नहीं आ रहा होता वो हमारे। अब बाबर आजम ये नहीं कि पूरे पाकिस्तान में एक बाबर आजम ही है और वैसा कोई बाबर आजम नहीं है, उससे अच्छे और बहुत सारे लोग हैं जो इनके पीछे लाइन लगा के खड़े हैं, उनको मौका नहीं मिलता बस। तो ये हमारी भी कुछ गलती है, जैसे वो अगर बाप बच्चों की हर जिद मानता रहेगा वो तो बिगड़ जाएगा ना ऐसे, तो वो तो फिर ऑब्वियस ही बात है, आपका पॉइंट वैलिड है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ आपकी बात को, सही कह रहे हैं। अच्छा, अब आगे आप कैसे देख रहे हैं कि ये अगर हमारी टीम जो है इस वक्त सेमीफाइनल में नहीं पहुँचती और जिस तरीके से ये परफॉर्म किया उन्होंने और हमारे करोड़ों लोगों की उम्मीदें थीं, अब लोग जो हैं वो मैंने देखा कि इस दफ़ा जो जोश खरोश वो पहले वाला नहीं था, कि पहले तो आपको पता कि इस तरह का जो भी इवेंट होता था, बड़ा इवेंट होता था, यहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगती थी, लोग इकट्ठे होते थे, हल्ला गुल्ला होता था, लेकिन इस दफ़ा जो पाकिस्तान की जो शुरू के मैचेस में परफॉर्मेंस रही उसको देख के लोग मायूस हो गए, तो कैसे ये हमारे पाकिस्तानी लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए पीसीबी को क्या इकदाम करने चाहिए, टीम के अंदर तब्दीली करनी चाहिए, बाबर आजम की कप्तानी को ख़त्म करना चाहिए, आप क्या सजेशन क्या देंगे आप? सबसे पहली बात यही है, बाबर आजम की कप्तानी को ख़त्म करना चाहिए। विराट कोहली जब कप्तान था उसकी परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा ना आ गया था, तो अब वहाँ पर वो शर्मा है शायद कोई, है ना जी, तो रोहित शर्मा है। तो अब रोहित शर्मा सुकून से कैप्टेंसी देखता है अपनी, और विराट का पूरा फोकस किस चीज़ पे होता है, जी मैंने 50 मारनी है, मैंने सेंचुरी मारनी है। बाबर को भी यही काम करना चाहिए, मेरे ख्याल से ये अच्छा कैप्टन वगैरह नहीं है, ये एक अच्छा बैट्समैन है, इसको इसकी जो है ना बैटिंग उसी पर फोकस रखना चाहिए। और बाकी रह गई बात, आपने जो कहा है कि ओबियस ही बात है, मेरे दोस्त सब हैं वो चाइना में भी हैं, यूके में भी हैं, टर्की में भी हैं, तो वो सारे भी यही कह रहे हैं, कहते हैं यार पहले ना एक एक्साइटमेंट सी होती थी, इवन कि आपने देखा होगा पिछले वर्ल्ड कप में स्कूलों में छुट्टियां हो जाती थी बकायदा, कि आज ही पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, स्कूल में छुट्टी कर दो। अब सिस्टम ये है कि ना आवाम जो है ना वो उनकी एक्सपेक्टेशन लेवल इनसे बहुत ज़्यादा कम हो गई है, उनको पता है इनसे कुछ नहीं होना। अगर हम 3 घंटे टीवी के सामने बैठ के मैच देखते हैं ना, हमने टाइम वेस्ट करना है, उनको पहले ही पता होता है इसने हार जाना है। तो मज़ा तब आता है कोई भी चीज़ देखने का या कोई भी कंपटीशन देखने का, बंदे को उसके रिजल्ट का थोड़ा बहुत हो कि यार ये हमारे हाथ में भी आ सकता है, जब पहले ही पता होता है कि यार हमारे हाथ में कुछ नहीं आना। यकीन माने मैंने आज का मैच नहीं देखा, सिर्फ उसका सुना है कि आज ये हुआ है, क्यों मैंने पिछले मैचेस देखे थे, मुझे पता था आज भी वही होना है, रिपीट होनी है चीज़ें। तो अब आज जीत गए हैं, अब मैं इंशाल्लाह अगला मैच देखूंगा, तो अब एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, अब मैं पूरा टाइम जैसे फोकस होता है लेज वगैरह लेकर कोक वगैरह रख के साथ में बैठ के बंदा देखता है पूरा प्रोटोकॉल के साथ, वैसे देखूंगा, अब मज़ा आएगा देखने का। अगर आज का भी हार जाते तो अगले की तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी देखने की। अच्छा, फाइनल में कौन सी टीम आप देख रहे हैं? जिस तरीके से इंडिया पहुंच चुका है, साउथ अफ्रीका पहुंच गया है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी पहुंचने वाले हैं,
अभी वो फाइनल ही दो टीमें, लेकिन जो टॉप की दो टीमें हैं वो साउथ अफ्रीका इंडिया, ये फाइनल हो चुके हैं। फाइनल के अंदर आप कौन सी टीम देख रहे हैं? मैं भाई इंडिया देख रहा हूँ। इंडिया वर्ल्ड कप हाथ में ट्रॉफी पकड़े हुए देख रहा हूँ उसको मैं। जितनी उन लोगों की अच्छी परफॉर्मेंस है, जितनी उन लोगों ने इस चीज़ के लिए मेहनत की है, मैं एक्सप्रेशंस देख रहा होता हूँ उन लोगों के। अगर वो एंड पे चल रहा हो ना मैच, मैच फंसा हुआ हो कहीं पे, उनके फेस एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं लाइक वो रोने लगे हैं सारे, और हमारे एंड पे भी ऐसे हंसते फिर रहे होते हैं ग्राउंड में। मैं देख रहा होता हूँ, मैं कहता हूँ यार इनको कोई टेंशन ही नहीं है, पूछने वाले नहीं है। लेकिन इस दफा कोई इस तरह की पोजीशन बनी नहीं कि इंडिया का मैच कोई फंसा हो। इंडिया ने सारे मैच वन साइडेड जीते इस वर्ल्ड कप में। देखे हैं मैं पिछले मैचों की बात कर रहा हूँ, मैं विराट कोहली को रोते हुए देखा है, मैं उनके सारे प्लेयर्स को देखा है जी वो बैठे हैं, मैं हैरान होता था। वो बड़े रोनाल्डो फुटबॉलर है, उसको मैं देखा है कि वो अभी ग्राउंड में ही होता है और वो रोना शुरू कर देता जा रहा है, क्योंकि वो उनके इमोशंस और फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं एक चीज़ के साथ। हमारे इनकी अब वो नहीं जुड़ी हुई, इनका पैसे के लिए खेलते हैं इसका मतलब। ये अब जो है ना मेरे ख्याल से फेम और पैसा, इनका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया इसमें। इनको कहा जाए ना ये 10 मैचेस आपने बगैर पैसों के खेलने हैं, ये कोई भी प्लेयर वही बात आ गई ना, इंडिया जाने के लिए तैयार नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा भी कहेगा, वो कहेंगे हम इससे अच्छा स्कूल में रूम से जाके स्कूल से सो जाएं। अब वो वाला नहीं रह गया इनमें के लाइक, ये मेरे ख्याल से अब सिर्फ फेम और पैसा बस, और कुछ नहीं है इनके पास। तो पाकिस्तानी क्रिकेट का फ्यूचर एंड में बता दें क्या देख रहे हैं आप? फ्यूचर जैसे पाकिस्तान का है अब अल्लाह के हाथ में ही है, क्रिकेट टीम का भी अब अल्लाह के हाथ में ही है, इनके हाथ में कुछ नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला की जात के हाथ में। आज का मैच भी ये जीते हैं, मैं तो यही कहूँगा अल्लाह ताला की जात ने फरिश्ते भेजे थे, छक्के बजे हैं और वो फरिश्ते अब वापस जा चुके हैं, अगले मैच में देखते आते हैं कि नहीं आते। इन्होंने कुछ नहीं किया आज भी, मैं तो यही कहूँगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आपका नाम जी? जमशेद अर्शद। क्या करते हैं आप? मैं जीसी में साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। और आप क्या करते हैं जी? आपका नाम? नजीबुल्ला मेरा नाम है और मैं भी जीसी में साइकोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। वेरी गुड। अच्छा, पाकिस्तान आज मैच जीता है, कल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच है, पाकिस्तान के चांसेस बनते हैं अगर न्यूजीलैंड हारे और पाकिस्तान अगले दो मैच जीते अच्छे मार्जिन से, तो कैसे देख रहे हैं कल के मैच को और आज के मैच को और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को और पूरे वर्ल्ड कप को आगे, ये थोड़ा सा डिटेल में हमें बताएं। बेसिकली जो आज का मैच था, जो हमने साउथ अफ्रीका सॉरी बांग्लादेश की जो अर्ली विकेट्स आई हैं शहीन ने लिए, वो बहुत अच्छा कमबैक किया है उसने, और सबसे ज़्यादा उसको बहुत सारी मुबारक हो। उन्होंने आई थिंक 50 ODI में उन्होंने 100 विकेट किए, एक तो ये है। उसके बाद उन्होंने वसीम जूनियर, उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, तो उनको जो है ना 205 पे उन्होंने रोका ऑलमोस्ट, तो ये एक बड़ा अच्छे मार्जिन उन्होंने उनको रोका है। और उसके बाद जो बैटिंग अगर बात की जाए तो फियरलेस बैटिंग जो है ना वो उसकी, फ़खर जमान एंड अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक मेरा बेहतरीन जो है पसंदीदा खिलाड़ी आफ्टर बाबर आजम, तो ये चीज़ है। उसके बाद इन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, तो ये एक अच्छा रिस्पॉन्स में मिला। इन्हें चाहिए था कि जो पीछे वाला मैच था, काश वो अगर जो DRS जो था अगर वो आउट दे देते तो आज दुआओं पर नहीं हम अपनी मेहनत से जाते टॉप फोर में, तो इसमें थोड़ा ये आ जाता। और सुबह का जो मैच आपने पूछा है कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का, उस हम साउथ अफ्रीका को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज ये है कि वो उनके नेक्स्ट मैचेस भी हैं, एक न्यूजीलैंड का हमारे साथ है, अगर वो साउथ अफ्रीका से भी हार जाते हैं हमसे भी हार जाते हैं तो उनके जो चांसेस हैं ना बहुत ज़्यादा वो कम हो जाएंगे, वो टॉप फोर से नीचे आ जाएंगे और हम ऊपर चले जाएंगे, तो एक ये सिनेरियो बन सकता है। लेकिन इसके लिए भी इनको चाहिए कि अच्छे मार्जिन से मैच जीते साउथ अफ्रीका को, और एक और मैच इनका किसके साथ? इंग्लैंड के साथ। इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड भी आउट ऑफ फॉर्म है, बटलर है, स्टोक्स है, कोई भी इतना अच्छा नहीं खेल रहा था, इनको चाहिए कि वहाँ पे भी डोमिनेट करना चाहिए, तो ये वाली चीज़ें हैं। तो नजीब भाई, आप कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान की अगले मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस होगी, हम पहुँच पाएंगे सेमीफाइनल के अंदर? नहीं बता, इनके हंसने से अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान के कितने चांसेस हैं, आप बताएँ जी ज़रा। चांसेस तो देखें तो थोड़े कम ही है अगर देखा जाए, वो एक और भी सिनेरियो बनता है अगर वो कहते हैं कि जो अफगानिस्तान, देखिए अफगानिस्तान के हमारे 2 पॉइंट हमसे ज्यादा है, वो भी तो पहुंच सकता है ना, लेकिन उनकी रन रेट हमसे कम होगी। अभी हमने मैं रन रेट तो कम है, पॉइंट तो ज्यादा है ना भाई, अगर पॉइंट ही हमसे ज्यादा उसके हो गए तो फिर हम तो पारे गए। नहीं नहीं नहीं, जो रन रेट होती है ना वो मैटर करती है, अगर देखा जाए भाई, अगर उनके 8 पॉइंट हुए हमारे 6 पॉइंट हुए तो वो तो पहुंच गया ना, मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर रन रेट वहाँ मैटर करता है जहाँ पर आपके पॉइंट इक्वल हों। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, जी सही चले यहाँ से नहीं देखा जाए तो उनके जो वो नहीं जाएंगे, या फिर न्यूजीलैंड का क्वालिफाई करेगा या फिर पाकिस्तान करेगा। फाइनल में किसको देख रहे हैं आप? फाइनल में अगर पाकिस्तान क्वालिफाई किया देन देखेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का होना चाहिए, अगर नहीं करता तो बेस्ट जो ऑप्शन है, मैं इस बार जो है ना साउथ अफ्रीका का सपोर्ट, उन्होंने
वो बहुत अब मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप किसको सपोर्ट करें, मैं अगर आप किसको देख रहे हैं कि फाइनल कौन सी दो टीमें खेलेंगी? अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल देन पाकिस्तान और इंडिया का होगा, अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं होता तो साउथ अफ्रीका और इंडिया में भी। चलें आप यही बता दें कि आप फाइनल में कौन सी दो टीमें देख रहे हैं। फाइनल में मुझे लगता है इंडिया तो बिल्कुल कन्फर्म है, और उसके साथ मेरी ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान पहुँच जाए। अगर ना हो सके वो तो नई टीम। आप अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं? जी मैं अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ। आपने जो पाकिस्तान मैच हारा अफगानिस्तान से, उसमें आपने किसको सपोर्ट किया था? उसने भी मैंने अफगानिस्तान को ही सपोर्ट किया। अफगानिस्तान को सपोर्ट किया था मेरी फेवरेट टीम। तो पाकिस्तानियों के चेहरे आपको कैसे नजर आ रहे थे जब अफगानिस्तान से हम हारे थे? लटके हुए चेहरे थे चेहरे के बिल्कुल। मैं बता दूं देखने की क्या सही है, उन्होंने बता दिया है कि वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान को सपोर्ट करें। बेसिकली ये भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वो जीत गया तो वो उधर चले गए। ऐसे नहीं किसी को आप कैसे कह सकते हैं कि वो, हर बंदे की अपनी मर्जी है, वो जिसको मर्जी सपोर्ट करें। स्टार्ट से मैं अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मेरी ख्वाहिश है कि वो फाइनल पहुँच जाए। और नज़र आ रहा है आपको अफगानिस्तान फाइनल में पहुँच जाएगा? अगर ना भी पहुँचे लेकिन उस तरह जिस तरह की उसने परफॉर्मेंस दिखाई है काबिले तारीफ है वो। हाँ लास्ट तीन मैचेस जो वो जीते हैं बिल्कुल जो चैम्पियन से जीते हैं, पाकिस्तान इंग्लैंड और श्रीलंका से जीता है। तो अगर इसी तरह मैच्योरिटी के साथ वो खेलते हैं जिस तरह उन्होंने खेला है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो फाइनल तक पहुँच जाएंगे। तो फाइनल भी जीतेंगे? देखें वहाँ पर तो इंडिया के साथ मुकाबला होगा फाइनल में। फिर भी अफगानिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे। थैंक यू जी। ओके।